नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन एंड द ग्रेट अंकित शाह जी। अंकित जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो टुडे। नमस्ते। सर, मुझे पता लगा आप अहमदाबाद से हैं, अहमदाबाद में है, और क्या पेला है आपने दुश्मनों को, मजा आ गया सर। जी और जय श्री राम के जो नारे मैंने सुने हैं, चाइना तक गूंज गूंज पहुंच रही थी उसकी। और यही मजा है भारत का, जो हम शायद बाहर रहकर इन चीजों को मिस करते हैं। जय श्री राम के नारे वहां पर, और जो माँ तुझे सलाम हमने सुना है वहां पर, ये तो एक राष्ट्रगान बन गया है, माँ तुझे सलाम। और जो इसका इसका जो मजा है, उसके सामने कभी भी पाकिस्तान की टीम टिक नहीं सकती थी सर। और वैसे भी सुमित जी, यू नीड टू नो कि नाउ द इंटरनेशनल कम्युनिटी नोज कि हमने कितना हॉस्पिटेबिलिटी दिखाया है, हाउ मच पेशेंट वी हैव बीन, एंड थोड़ा लार्ज हार्टेड होके हमने उनका क्रिकेट भी अकोमोडेट किया है। अब अगर कुछ भी होता है तो फिर नोबडी इज गोइंग टू कम इन बिटवीन। तो ये मैसेजिंग अब क्लियर हो जाए। सर, इंटरनेशनल इससे बड़ा कम्युनिटी इज नाउ अ विटनेस के हमने बड़ा दिल दिखाते हुए उनको वेलकम किया है पोलाइट तरीके से, और क्रिकेट भी होस्ट कर लिया है। तो अब कोई देखो, बदमाशी होती है तो दे विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, और आप जानते हैं क्या कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन मुझे लगता है कि इससे बड़ी हॉस्पिटैलिटी क्या होगी कि जो 125 पे आउट होने वाली टीम है, हमने उनको 190 बनाने दे दिए। इससे बड़ी तो हॉस्पिटैलिटी हो नहीं सकती। हमने भी कुछ मेहमान नवाजी के कारण उनको थोड़ा सा लीवरेज दे दिया था हमने। हाँ थोड़ा खेलने दिया उनको, बच्चों खेलो इंटरनेशनल क्रिकेट से इतने टाइम दूर थे, थोड़ा खेलो हाँ, खेल लो थोड़ा सा, नहीं तो देखो 125 पे आउट हो जाते। इतने करोड़ों रुपए लोग लगाकर कि ना मैचेस देखते हैं, और ये ना एक एक होता है, एक हाइप होती है वहां पर, मजा भी ना आए तो मजा आता नहीं है। तो इसलिए हमने कहा, चलो बच्चों खेल लो थोड़ा सा, अगर आउट हो गया तो आपको एक दो प्लेयर को दोबारा बुलाना भी, जैसे हम गली में खेलते हैं, तो वो भी करना कर लीजिए। हमने कुछ छोड़ा नहीं, और देखिए। नहीं। और जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो और शाह ऑडियंस में बैठे हो तो फिर जीतना तो बनता ही है इतना बदला भी है, और शाह जी बैठे थे, वो भी कहा गुजरात में, वो भी अहमदाबाद में। ये भूले नहीं होंगे कि इनके साथ क्या हुआ था पहले। इसलिए जो रिजवान था, उसने डड्डू वाला जो शेप बनाता है अपना उसके ऊपर ग्राउंड में, वो बनाया नहीं उसने। तो ये भी एक अच्छा एक एक जेस्चर है इंडियंस की तरफ से। हमने भी देखे उन्हें रियलिटी के साथ मिलवाने की कोशिश करी। हमने भी जय श्री बोला उनको, जय श्री राम, कि भाई यही आपको पार लगा सकता है। ये आपको, मुझे लगता है आपका धर्म चेंज करना पड़ेगा, जैसे ये सबके धर्म चेंज करने में लगे रहते हैं। तो हमारे लोगों ने भी उनको रियलिटी दिखाई। देखिए। अब उनका जो भी आप बताओ, डीएनए जो है, आंख है, नाक है, स्किन है, हाइट है, सब कुछ उन्हें श्री राम से मिला है, तो उन्हें बाहर अम्मी अबू ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ बगल में ही है। और कोई भी यहाँ से, मतलब ईरान से नहीं आया है, ना यूएई से आया है, ना सऊदी से आया है, पता है आपको स्किन, हाइट, कलर, नोज, सब कुछ श्री राम वाला मिला ट्रू ट्रू ट्रू। है लेकिन सर, इनको समझ नहीं आ सकती। मैंने आज ही एक वीडियो डाला है एक्स मुस्लिम मुस्लिम के साथ, एंड दे एक्सप्लेन अ लॉट ऑफ थिंग्स आल्सो। बट एनीवेज, लेट्स गो अहेड टू दिस जियोपॉलिटिक्स एंड ऑल, जिसमें आप एक्सपर्ट भी हैं, एंड आपकी राय बहुत ज्यादा रेजोनेट भी करती है मेरे साथ। तो दबी वी वर डूइंग अ शो, मैंने अभी देखा कि आपकी एक बुक भी आई है जियोपॉलिटिक्स के ऊपर, वेयर इन यू आर टॉकिंग अबाउट देयर फ्यू वर्ड्स व्हिच टच मी, डिसेप्शन, लाइज, यू नो, ऑल दिस मीडिया जो ये काम करते हैं। व्हाट वर यू ट्राइंग टू प्रोजेक्ट? वॉज इट अबाउट द गवर्नमेंट्स, और वॉज इट अबाउट अ पर्टिकुलर रिलीजन, द वे की जो, जैसे वो हर चीज को डिसेप्शन में काम करके, उसके उसकी आड़ में, बुरके में ये अपना काम करते हैं। व्हाट वॉज योर एंगल फॉर दिस बुक? देखिए। इस बुक के अंदर जो पूरा कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस कवर हुआ है कि कैसे नरेटिव चलते हैं मीडिया में, पूरा फेक चलता है, या तो पेड होता है या तो फेक होता है, राइट? सो इन इफेक्ट देयर इज नो मीनिंग रीडिंग दैट। तो आप जानते ही हैं कि ये पूरा जो वॉरफेयर का तरीका जो है, जब से न्यूक्लियर अम्ब्रेला बन चुका है बड़े पावर्स के साथ, तब से फिजिकल वॉर का जो रिक्वायरमेंट है या मॉडेलिटी है, उसमें बहुत बड़े परिवर्तन आ चुके हैं। तो और फिर ग्लोबलाइजेशन ने क्या है कि फिजिकल बॉर्डर्स की वो सिक्योरिटी पार कर ली है, तो अब फाइनेंस से बहुत कुछ वॉर होता है,
और उसमें जितने भी एलिमेंट्स आप परचेज कर सके, बी इंफॉर्मेशन के जितने भी आउटलेट्स हैं वही नरेटिव सेट करते हैं। तो और फिर पब्लिक को वो पब्लिक वही मानेगी। कहीं कहीं तो आप देखोगे कि हेडलाइंस अलग है, नीचे का कंटेंट कंप्लीटली अलग है। तो क्लिकबेट चलता है, पता नहीं क्या क्या चलता है। और फिर कभी कभी तो 3 घंटे में 4-5 बार हेडलाइंस चेंज हो जाती है वही आर्टिकल की। तो ये पूरा जो पेड फेक नरेटिव चलता है एजेंडा चलाने के लिए, और कहीं ना कहीं ये एक तरह से जिसको आप कुट युद्ध बोलते हैं एंशियंट भारत की टर्मिनोलॉजी में, अगर आप बोले कि तुष्णिम युद्ध और कुट युद्ध, तो नेशन डज नॉट ब्रेक एट द बॉर्डर, नेशंस ब्रेक व्हेन द सिविलाइजेशन आइडेंटिटी इज स्ट्रक फ्रॉम विद इन। ठीक। तो जो काइनेटिक एक्शन होता है बॉर्डर पे वो तो लास्ट में होता है, पहले पूरा नॉन काइनेटिक वॉरफेयर सेट हो जाता है आपकी कंट्री के अंदर ही। तो जो ग्लोबलाइजेशन है ये एक ट्रोजन हॉर्स बन के अंदर आ चुका है सब कंट्रीज में, और फुल ऑन गेम खेला जाता है पब्लिक माइंडसेट के साथ। तो पहले ही आपको मेंटली वीक, साइकोलॉजिकली वीक, आपका ओरिजिन से रिलेटेड जो आपका प्राइड है वो आइडेंटिटी पे अटैक करना, आपका धर्म जो है उस पर अटैक करना, और इसमें बहुत सारे इनको एलिमेंट्स भी यहीं पे लोकली अवेलेबल हो जाते हैं, चाहे वो अपोजिशन पार्टीज वाले हो या मीडिया के कुछ हो। तो मनी बाइज ऑल दिस स्टफ, और यही पूरा कोलोनाइजेशन के पीरियड में भी चला, राइट? कि और फिर इसमें ना सिर्फ मीडिया का रोल है, इवन अगर आप सीरियल्स भी देखोगे, अगर आप लास्ट 20 इयर्स की जिस प्रकार की टीवी सीरियल्स चलती हैं, आपको एक कॉमन थीम मिलेगा, दे आर अटैकिंग ओनली द सनातन मेथड ऑफ मैरिज। सारी की सारी सीरियल की कंटेंट में आपको ये कॉमन थीम मिलेगा, दे आर अटैकिंग द जॉइंट फैमिली सिस्टम, दे आर अटैकिंग द इंडियन कल्चर एंड फेस्टिवल्स, एंड दे आर अटैकिंग द इंडियन मैरिज सिस्टम। क्योंकि सबको पता है कि सनातन इकोनॉमिक्स में फैमिली यूनिट का कितना बड़ा रोल है, फैमिली का इंटैक्ट रहना कितना बड़ा, कितना इंपॉर्टेंट होता है कि आप लाइफ साइकिल में बिलीव करते हैं, आप एजेड पेरेंट्स का भी टेक केयर करते हैं और नेक्स्ट जनरेशन की के लिए भी सेविंग्स करते हैं कि उनकी भी पढ़ाई कंप्लीट हो पाए। तो ये जो लाइफ साइकिल वाला विजडम है वो सनातन मैरिज की जो यूनिट की जो स्ट्रक्चरिंग है उस पर बेस्ड है ये पूरी इकोनॉमिक्स। क्योंकि आप वेस्ट में देखते हैं कि किस तरह से बच्चा जब तक ग्रेजुएशन में आता है तब तक 2-3 पेरेंट्स उनके चेंज हो जाते हैं, और फिर कुछ इकोनॉमी है जो आप जानते ही हैं, नीचे मुफ्त का क्रूड ऑयल जो निकल आया है उसी पे गुजारा चल रहा है। तो भारत के अलावा और कोई तो प्योर इकोनॉमिक्स है ही नहीं। अगर आप चाइना की भी बात करेंगे तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो एक पोलराइजेशन वेस्टर्न से एंगल से हुआ कि वहां डॉलराइजेशन से नोट छपेगी, कंजम्पशन होगा और पूरा प्रोडक्शन जो होगा वो चाइनीज लेबर के टॉर्चर से होगा, तो वो भी प्योर इकोनॉमिक्स नहीं है। सो दैट इज व्हाई ऑल दिस मॉडल्स आर कोलैप्सिंग। पर अंकल जी एक चीज बताइए, जैसे आपने बोला कि भारत के अंदर भी हमने देखा कि ये घुस गए हैं, यू नो, हमारे मीडिया के अंदर भी, एंड अभी तो न्यूज क्लिक में हमने देखा भी है कि कैसे फंडिंग आती है बाहर से, और ये बिकने के लिए तैयार हैं, सारे जर्नलिस्ट सारे एजेंडा चलाते हैं। अपोजिशन पार्टी जो जैसे कांग्रेस है, इन्होंने भी 2008 में बेशर्मी के साथ चाइना में आकर इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया और हमारी जिंदगियों के सौदे इन्होंने लिख दिए थे वहां पर। मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत के अंदर ही ऐसे गद्दार क्यों मिलते हैं जो बिकने के लिए तैयार हैं, चाइना में आप क्यों नहीं खरीद पाते? आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती है अगर आप चाइना से ट्राई भी करेंगे या कोई खरीदने की कोशिश करेंगे, कोई एजेंडा भी यहाँ चलाने की कोशिश करेंगे, वाई इन इंडिया ओनली? देखिए सुमित जी, इसका फंडामेंटल कॉजेशन जो है वो ये है कि भारत की जो जनता है स्पेशली हिंदूज, उनमें पॉलिटिकल अवेयरनेस पहले से ही कम रही है। और उसका रीजन ये है कि एक तो कर्म वाली जो हमारी थियोरी, जो हम मान के चलते हैं कि हम हमारे जो कर्म है वही हमें भुगतने हैं आगे चल के, तो वही थियोरी है जो जिसने हमें ऊंचाई पर पहुंचाया।
और आज वही थियोरी है जिनकी वजह से ये नए, जिसको आप बताओगे कि इन्फेंट इमेच्योर वेस्टर्न टेम्पलेट वाली डेमोक्रेसी वाली फॉर्मेट, उसमें ये हाईली आइडियलिस्टिक पोजीशंस जो बिल्कुल काम नहीं आती, राइट? तो जब तक आपका स्ट्रक्चर गवर्नेंस का ऑटोनॉमस जनपद वाला था, जो एडवांस्ड स्ट्रक्चर था गवर्नेंस का, जो अब आप खो चुके हो, और अभी जो आप चला रहे हो विच इज वेस्टर्न टेम्पलेट विच इज इम्पोज्ड ऑन यू, द डेमोक्रेसी, इलेक्शन फॉर्मेट, वोट बैंक, स्टफ लाइक दैट. अब इसमें फंडामेंटल अजम्पशन ये है कि एवरी वोटर इज टेकिंग अ रैशनल डिसीजन टू वोट, जो अजम्पशन ही गलत है, राइट? तो उसी उसी अजम्पशन पे ये पूरा फॉर्मेट चल रहा है. नाउ आप जानते हैं कि बाकी सारे वोट बंडल्स बन जाते हैं क्योंकि वो मानते हैं मॉब बिलीफ और मॉब ऑब्जेक्टिव में, जिसका ओरिजिन एब्राहमिक रिलीजियस कॉन्सेप्ट में आता है, जबकि सनातन में है इंडिविजुअल सीकिंग ऑफ लिबरेशन, राइट? और यही इंडिविजुअलिस्टिक सीकिंग की वजह से हम वोट बैंक कभी नहीं बन पाए. इनफैक्ट जब ये प्री हिस्ट्री में भी जब हम जाते हैं, जब बताते हैं कि फॉरेनर्स का इन्वेजन हुआ, तब भी सनातन इकोनॉमिक्स ऑटो पायलट मोड पे चल रहा था, बिकॉज क्योंकि वो सिस्टम्स ही स्टेट से कंप्लीटली डिटैच होके ऑटो मोड पे ऑपरेट करती है. उसको कोई लेना देना ही नहीं है कि दिल्ली में कौन बैठा है, राइट? तो चाहे आप मंदिर इकोसिस्टम बोलो, फैमिली यूनिट एंटरप्रेन्योरशिप बोलो, सारी फेस्टिवल्स की इकोसिस्टम बोलो, पूरा डिवाइस ही ऐसे किया गया है कि ऊपर पावर में कौन बैठा है उसके साथ कुछ लेना देना ही नहीं है. तो ये सेल्फ जब सस्टेनिंग है. हाँ, तो जब ये नया टेम्पलेट आया विच इज वेरी इन्फेंट एंड इमेच्योर, जो बाहर से इम्पोज हुआ है, उसमें ये प्रकार के हाई लेवल वाले एडवांस्ड जो हमारी थियोरीज है इज टेकिंग अ बैक सीट, क्योंकि ये थियोरीज ऐसे इमेच्योर क्राउड के लिए नहीं बनी थी. अब इसका हल क्या है? फिर मुझे लगता है कि जैसे भारत के अंदर अभी सिचुएशन है, ये महाभारत का टाइम चल रहा है, वेयर ऑल द फोर्सेस आर वर्किंग ऑन, जो आपको हराने के लिए, अंदर से भी बाहर से भी, और हम रामचंद्र बन के उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. मैं मोदी जी को देखता हूँ, रामचंद्र लगते हैं मुझे तो, कि यार रामचंद्र बन के वो करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमें कृष्ण की जरूरत है. वॉट इज द सोल्यूशन फॉर ऑल दिस थिंग्स, जो हमारे ऊपर इम्पोज तो कर दिया, बट वी आर नॉट रेडी फॉर इट, एंड पीपल डोंट अंडरस्टैंड ऑल्सो. सुमित जी, हमें ये समझना है कि पूरा 1000 साल का रिवर्सल है जो हम सीख कर रहे हैं. तो आपको इसका हल, आप सच समझते हैं कि एक डिकेड में कुछ मिल जाएगा, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट. इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस. तो एक तो पब्लिक को खुद में ओरिएंटेशन आना, जिसके कुछ कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स अब मुझे दिखाई देते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, जिनके अंदर कोई भी डिपेंडेंस वाले एरा की कोई मेमोरीज नहीं है उनके पास. मुझे लगता है कि वो वाली जनरेशन बहुत ही कॉन्फिडेंट और उस प्रकार की निकल के आएगी, जो अपने एंशंट विजडम को वापस डिग करके अडॉप्ट करना चाहेंगी, अगर लॉजिकल सीक्वेंस कुछ बन पाता है कोई भी ट्रेडिशन का, राइट? जबकि पिछले वाली जो जनरेशन थी वो पूरा एक कॉलोनियल पीरियड के सप्रेशन में से निकल के आई थी, जिनका मतलब जिनका ब्रेड और बटर का भी कुछ प्रॉब्लम था, राइट? तो उनके गोल्स ही कुछ अलग थे, राइट? तो मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. जो आपने बात की कि जब रामनाथ कोविंद हमारे प्रेसिडेंट थे तो आपको राम मंदिर मिल गया, तो अब द्रौपदी जी प्रेसिडेंट है तो महाभारत तो बनता है. तो लेट्स लेट्स होप कि आपको पीओके वाला महाभारत जल्द देखने को मिले. अरे अंका जी, बात तो बिल्कुल सही कही आपने, बट लेट्स कम टू द चाइना मॉडल आल्सो. हमने देखा कि 30 साल पहले इन्होंने सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर ध्यान दिया, रिलीजन को बंद कर दिया, सब कुछ इन्होंने स्टॉप कर दिया था, कि सारी कंट्री को एक ही डायरेक्शन में चलना चाहिए, विच इज ग्रोथ ऑफ दिस कंट्री. हमने गरीबी से अपनी कंट्री को बाहर निकालना है. हार्ड वर्क वॉज दी ओनली मैंट्रा विच वॉज पॉसिबल हेयर, या जिसको प्रमोट किया इन्होंने. अभी ये दोबारा से रिलीजन की तरफ दोबारा आ रहे हैं, जैसे आपने बोला कि एक सर्कुलर इकोनॉमी बनती है थ्रू रिलीजन प्रैक्टिसेस, एंड एक 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 होता है सारा सिस्टम, एक आप कुछ ना कुछ खरीदते हो, कुछ करते हो, तो अब ये दोबारा से उस चक्कर में आ रहे हैं,
वेयर दे आर प्रमोटिंग बुद्धिज्म एंड नॉट अदर रिलीजन्स, क्योंकि ये भी दुखी हैं मुसलमानों से और यहाँ पर भी वो अपने अलग कंट्री बनाने की कोशिश करते हैं, तो इन्होंने उनको पकड़ पकड़ के सीधा कर दिया। तो आपको नहीं लगता कि जो भारत है इसे भी चाइना के मॉडल से कुछ सीखना चाहिए? व्हाट ऑल दे हैव डन रॉन्ग और व्हाट दे हैव डन राइट एंड हैव अ मिक्सचर टू गो फॉरवर्ड? सुमित जी, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। इसका मैं थोड़ा बैकग्राउंड आपको देना चाहूंगा, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं ये प्रेडिक्शन मैंने आई थिंक 1.5 ईयर्स बैक दिया था कि चाइना वापस धर्म की ओर आएगा। इसका प्राइमरी रीजन है, दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो आपने समझने हैं। सबसे पहला 1962 वाला जो वॉर हुआ भारत के साथ, इसके पीछे का बैकग्राउंड पहले आपने समझना है। तो 1962 के वॉर से पहले करीबन 25 साल पहले चाइना के जो एम्बेसडर थे यूएस में, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था ऑफिशियल कि भारत चाइना को रूल करता है कल्चरली विदाउट फायरिंग अ बुलेट अक्रॉस फॉर मोर आई मीन फॉर सेंचुरीज। आई रिमेम्बर दैट, यस। ये हुशी का स्टेटमेंट है अराउंड 25 साल बिफोर 1962। अब 1962 की जो सीसीपी की प्लेनरी थी उसमें डिसीजन लिया गया कल्चरल रेवोल्यूशन का, जो 1965 से स्टार्ट हुआ, 65-66। तो अगर आपको सारा रिलीजियस प्रैक्टिसेस चाइना के अंदर खत्म करना है, तो सबसे पहले आपको वो जो प्राइड है रिलीजियस प्रैक्टिसेस का, विच वॉज इंडिया इन्फ्लुएंस्ड, पहले उसको आपको एक जोरदार पंच देना पड़ेगा। तो 1962 की सीपीसी की प्लेनरी में डिसाइड हुआ कि पहले 1962 वॉर करना पड़ेगा, ठीक है? तो पहले भारत के साथ वॉर हुआ, बैकग्राउंड सेट हो गया कि ये चाइनीज पब्लिक का जो इंडिया इन्फ्लुएंस रिलीजियस प्रैक्टिसेस वाला जो पूरा प्राइड है, पहले उसको हम खत्म करेंगे, और फिर 65-66 से कल्चरल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो कल्चरल रेवोल्यूशन करने के लिए उनके लिए कंपलसरी हो गया ये वाला पंच देना, ठीक। फिर 1979 में डेंग शियाओपिंग जाते हैं, प्रेसिडेंट कार्टर से मिलते हैं यूएस, 1979। वहां पे डील होती है कि तुम तुम्हारा इंटरनल कंजम्पशन बंद करो तो हम तुमको टेक्नोलॉजी देंगे। डेंग शियाओपिंग वहां पे फैक्ट्रीज देख रहे हैं, एक एक फैक्ट्री में 50-50 कार्स निकल के प्रोड्यूस होके आ रही है टेक्नोलॉजी से। डेंग शियाओपिंग बोलता है मुझे ये चाहिए टेक्नोलॉजी ऐसी, तो कंडीशन ये है कि तुम तुम्हारा पहले कंजम्पशन खत्म करो। डेंग शियाओपिंग कम्स बैक, इम्पोज़ेस अ सिंगल चाइल्ड पॉलिसी, ठीक है? Right. अब बड़ा टर्न ये आता है कि 1999 में यूरोपियन यूनियन सबसे पहला डी डॉलराइजेशन करता है और यूरो करेंसी लॉन्च करता है। तो अब नाउ यूएस इज इन पैनिक बिकॉज दिस इज द फर्स्ट एवर डी डॉलराइजेशन विच इज सीरियसली हैपनिंग, पूरे यूरोपियन यूनियन की कॉमन करेंसी। तो अब क्या होता है कि यूगोस्लाविया कॉन्फ्लिक्ट में घसीट के लेके जाते हैं नेटो में। वॉर चलता है, वॉर के बाद यूरोपियन यूनियन को समझ आता है कि ये तो हमें मामू बनाया गया, खाली यूरो करेंसी की वैल्यू नीचे ले जाने के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट किया गया है। अब यूरोपियन यूनियन भड़कता है, बोलता है वी आर नो मोर गोइंग टू पार्क अवर सेविंग्स इन द यूएस डॉलर एंड द यूएस ट्रेजरी, ठीक है? तो ये जो पहला डी डॉलराइजेशन होता है उसमें आईटी सेक्टर का 78% वैल्यूएशन गिर जाता है, एंड व्हाट वी कॉल एज अ डॉट कॉम क्रैश ऑफ 2002। लेकिन क्योंकि अब यूरोप ने मना कर दिया है पार्क करना सेविंग्स, तो चाइना को रिवेंज में डब्ल्यूटीओ में लेके आते हैं और डब्ल्यूटीओ की सारी बेनिफिट्स उनको दी जाती है। बदले में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बोलती है वी विल पार्क अवर सेविंग्स इन द यूएस ट्रेजरी इंस्टेड ऑफ यूरोप। अब गेम समझ आई क्या हुआ? नाउ चाइना बिकम्स द मैन्युफैक्चरिंग जायंट दैट इट बिकेम, ठीक। 2018 में भारत दाव खेलता है, चाइना को बोलता है लेट अस डू ट्रेड इन डोमेस्टिक करेंसीज, युआन और रुपी में करते हैं। शी जिनपिंग को अभी पूरा कंट्रोल नहीं है, ही स्टिल हेजिटेटिंग करना है नहीं करना है, राइट? उसके बाद
डेटा निकलता है, पता चलता है कि 40 साल मजदूरी करी पूरी दुनिया की और 3 ट्रिलियन बनाया रिजर्व्स में, 3 ट्रिलियन। यस और कोविड में अमेरिका ने 14 ट्रिलियन छाप के अमेरिकन्स को दे दिए, जाओ मजे करो, 14 ट्रिलियन, 1/4। यस और चाइना ने 40 साल मजदूरी करके बनाया 3 ट्रिलियन। ट्रू अब जो है शी जिनपिंग नाउ गेट्स अलाइंड ऑन दिस डी डॉलराइजेशन प्रोसेस। तो अब उनको दो प्रकार का रिवर्सल करना है। 1979 का कार्टर वाला डील डोमेस्टिक कंजम्पशन खत्म कर दिया था सिंगल चाइल्ड पॉलिसी ला के। अभी तो इन्होंने टू चाइल्ड अब पॉलिसी शी लेकर आई जिनपिंग बोल ना। रहे हैं बर्थ रेट्स बढ़ाओ, मैरिज करो। और फिर दूसरा 1962 वाला रिवर्सल, वापस सारे धर्म को लेके आओ, वापस फेस्टिवल्स लाओ, लेट अस गो फॉर इंटरनल कंजम्पशन साइकिल इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्ट्स मॉडल। तो ये दो बड़े रिवर्सल इस वजह से हैं। तो वापस धर्म की वापसी बिल्कुल होगी और नए मंदिर भी चाइना में बनेंगे। देखिए मुझे तो यहाँ पर कोई इंडियन मंदिर नहीं है, जो पुराने मंदिर थे जो इन्होंने तोड़ दिए थे, अबाउट 95% मंदिर तोड़ दिए इन्होंने रेवोल्यूशन के अंदर, वो सारे रीबिल्ड किए जा रहे हैं और उसे एक नेशनल प्राइड की तरह दिखाया जा रहा है कि वे ब्रिंगिंग द ओल्ड कल्चर बैक। और धर्म जो ये हमारे फेस्टिवल्स भी हैं बुद्धिस्ट के एंड ऑल, वो भी दोबारा से रिवाइव हो रहे हैं। यंग पॉपुलेशन को फोर्स किया जाता है कि आपको ये मनाने हैं। मैंने पहली बार पिछले 2-3 सालों में मंदिरों के बाहर 3-3 घंटे की वेटिंग लाइन देखी है, जबकि यहाँ मंदिरों के अंदर सिर्फ कबूतर दिखते थे, कोई जाता ही नहीं था मंदिर के अंदर। अभी यंग पॉपुलेशन मंदिर के अंदर जानी शुरू हुई है, विच इज सीधी सी देखिए सुमित जी, बहुत सीधी सी बात है कि जो फाइनेंशियल रीसेट आ रहा है उसमें वेस्ट की कैपेसिटी नहीं होगी, इवन इफ दे वांट टू परचेज एंड चाइना वांट्स टू सेल, क्योंकि करेंसी यस का फ्लिप इतना बड़ा आ जाएगा। ठीक, तो फिर तो क्योंकि ये दिस इज समथिंग विच इज एन इवॉल्व्ड बार्टर विच इज कमिंग अप। मतलब इवॉल्व्ड बार्टर में क्या है कि अगर आपका ओवर प्रोडक्शन है तो भी आपको सही बार्गेन नहीं मिलेगा, अंडर प्रोडक्शन है तो भी सही बार्गेन नहीं मिलेगा। तो एशिया का जितना प्रोडक्शन है उसको चेस करने के लिए जो क्रूड ऑयल एनर्जी है मिडिल ईस्ट की, वो भी कम होती जा रही है। ठीक है, सो लेसर एंड लेसर क्रूड ऑयल इज चेजिंग लेसर एंड लेसर प्रोडक्शन। तो दोनों मिलके वेस्ट को बोल रहे हैं, तुम ढूंढ लो तुमको क्या करना है, वी आर गोइंग टू एक्सचेंज अवर स्टाफ। दिस इज वॉट इज द फाइनेंशियल रीसेट विच इज कमिंग। तो अगर लास्ट 10 मंथ्स का आप डेटा निकालोगे तो आपको पता लगेगा कि चाइना ने 25-30% जो स्टॉक वेस्ट में जाता था ईयू और यूएस में, वो डाइवर्ट कर दिया है साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट को, यस और इनका फोकस कैपेसिटीज है। नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। और यस देयर डीडॉलराइजेशन का जो इम्पैक्ट है उसमें अच्छा खासा अनएम्प्लॉयमेंट वो झेलने को तैयार है। तो अब डोमेस्टिक कंजम्पशन की साइकिल रिवाइव करने के लिए उनको वापस बर्थ रेट चाहिए, वापस वही धार्मिक फेस्टिवल्स और मंदिर चाहिए। सो दिस इज व्हाट इज कमिंग बैक। और जो मुझे समझ में आई जियोपॉलिटिकली, आपका चाइना का जो पॉलिट ब्यूरो है उसके अंदर दो लीडर्स थे हु वर प्रो एक्सपोर्ट कनेक्टेड टू द वॉल स्ट्रीट फाइनेंस ऑफ द यूएस डीप स्टेट, यस दोनों को डिमोट कर दिया गया इन नवंबर 2022। यस देखिए अंकल जी, जो आपने बोला है बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है, बिकॉज यहाँ बैठकर मैं देखता हूँ सारी चीजों को। जो बड़ी फैक्ट्रीज हैं जिसके ऊपर बड़ा हल्ला होता है कि भी भारत के अंदर कि चाइना तो गया, अगले महीने इसके 5 टुकड़े हो जाएंगे, यहाँ पर रिवोल्ट होना शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ यहाँ भी पे नहीं कोई होना रिवोल्ट, यहाँ कुछ है। भी रिवोल्ट नहीं हो रहा, फेक है, बिल्कुल फेक है। यहाँ पर यस फैक्ट्रीज के साइजेस को ट्रिम किया जा रहा है कि लेट्स कम टू रियलिटी, हाउ मच वी कैन प्रोड्यूस हेयर एंड यूज, रेस्ट वी शुड हैव अ मिक्सचर कि 50-60% हम यूज करें, बाकी का हम एक्सपोर्ट करें। और इनका जो करेक्ट, फोकस है दैट इज मिडल ईस्ट, अफ्रीका एंड इंडिया, इनका और फोकस ही नहीं है। दे आर डीकपलिंग फ्रॉम अमेरिका, दे डीकपलिंग फ्रॉम यूरोप, दे मूविंग टुवर्ड्स एशिया एंड टुवर्ड्स अफ्रीका। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी आपने डी डॉलराइजेशन की बात करी, आई रिमेम्बर इन 22 आई हैड रेड फ्रॉम यू और मे बी आई लिसन कि इंडिया और इजराइल ये दोनों लगे हुए हैं डी डॉलराइजेशन करने के लिए, दे वर हैविंग सम पैक्ट और समथिंग, यू मेंशनड समवेयर। तो डू यू फील कि हाउ दे वर प्लानिंग टू डू दैट, इंडिया और इजराइल मिलकर डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे थे?
देखिए ये जो पूरा डीडॉलराइजेशन का जो थीम है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि यूएस डीप स्टेट और विद इन द यूएस गवर्नमेंट जो जिविश लॉबी का जो इन्फ्लुएंस है दैट इज इनफाइनाइट, मतलब आप उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते किसी वर्ड्स में। यस तो ऑफ अभी कोर्स जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुछ लोग बोलते हैं कि ओ इसराइल के पास कुछ आर्म्स की कमी है, मैंने बोला उनको आर्म्स की कमी नहीं हो सकती। इम्पॉसिबल है ना। सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि यूएस डीप स्टेट का मेजोरिटी फैक्शन इज अलाइंड नाउ ऑन दिस डी डॉलराइजेशन प्रोसेस, और जब वो बिगिन हुआ था वो प्रोसेस तभी से ये क्लियर था कि ग्लोबल पॉलिसिंग का रोल जो श्रिंक हो जाएगा आफ्टर फाइनेंशियल रीसेट, तो वो गैप इंडिया और इजराइल भरेंगे पूरे मिडिल ईस्ट में। स्टार्टिंग से ही बहुत क्लियर था, क्योंकि फाइनेंशियल रीसेट के बाद जब वो एंडलेस प्रिंटिंग मशीन बंद हो जाता है तो फिर सारे ग्लोबल जो ट्रेड रूट्स हैं उसकी सिक्योरिटी फिर कौन देखेगा, दैट इज द क्वेश्चन, राइट राइट? तो उसका आंसर बहुत क्लियर है कि मिडिल ईस्ट रीजन में एक जॉइंटली होगा सिक्योरिटी, और उसमें लीडरशिप इंडिया और इजराइल देंगे, बहुत क्लियर है। और आपने ये जो लास्ट G20 में ये जो पूरा कॉरिडोर आपने देखा, राइट? तो मैंने जो वो प्रेडिक्शन भी आई थिंक 1.5-2 साल पहले ही दे दिया था कि जम्मू विल मीट जेरूसलम इन जेदा, बिकॉज पूरे वर्ल्ड में दो ही ओ चीज है, पूरे वर्ल्ड में दो ही चीज है सुमित जी, एक जम्मू है और एक जेरूसलम है, देयर इज नथिंग एल्स। तो जम्मू बेल्ट ने दो धर्म दिए इंडस पे और दो धर्म दिए गंगा पे, जेरूसलम बेल्ट ने दो रिलीजियन दिए, ठीक है? सऊदी अरेबिया में जो हुआ दैट वाज अ मिक्सचर ऑफ एब्रेहमिक वर्सेस प्लस डेजर्ट प्रैक्टिसेस, वो दोनों का बिल्कुल सही है, मिक्सचर हुआ, ठीक मिक्सचर है? है। तो ये जो मैंने आई थिंक बुक में भी बहुत क्लियर और कुछ टॉक्स में भी मैंने बताया है कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन से मिनिमम दो निकलने चाहिए फॉर सर्वाइवल, जो सऊदी अरेबिया में नहीं हुआ है। इसीलिए वो जो प्रेडिक्शन मैंने जो दिया कि जम्मू विल मीट जेरूसलम इन जेदा, तो यू शुड बी सरप्राइज, एज आई सेड यूएई विल बी अ हिंदू कंट्री, सऊदी अरेबिया विल बी अ ज्यूइश मेजोरिटी एंड ईरान विल बी अ क्रिश्चियन मेजोरिटी। तो ये जो पूरा कॉरिडोर है मुंबई से गुजरात के पोर्ट्स से, गुजरात के पोर्ट्स से यूएई के पोर्ट्स, वहां से अक्रॉस सऊदी अरेबिया रेलवेज बिछेगी, इंडियन रेलवेज, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, और जितने भी पुराने मंदिर्स हैं सऊदी अरेबिया में रिवाइव किए जाएंगे। और यू माइट फाइंड द इंडियन प्राइम मिनिस्टर डूइंग प्राण प्रतिष्ठा आफ्टर फ्यू इयर्स, और फिर वहां से टेंपल माउंट, ये मतलब हाइफा वाला पोर्ट है, और हाइफा से फिर ग्रीस और यूरोप। तो वही एंशियंट सिल्क रूट और स्पाइसेस ट्रेड रूट जो है, जो 400 और 1000 इयर्स के रिवर्सल में हम देख रहे हैं। तो दैट इज सर व्हाट, एंड इट इज वेरी क्लियर, मुझे लगता है कि इसराइल अभी जो इंटरनल मेस क्लीन कर रहा है डी रेडिकलाइजेशन, इसके बाद सऊदी अरेबिया इंटरनली क्लीन करेगा, और जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट में कुछ ही गैप के बाद ईरान का जो डी न्यूक्लियराइजेशन का प्रोसेस है, बिकॉज देखिए अगर ये कॉरिडोर सक्सेसफुल होना है तो दो हॉटस्पॉट्स रिवर्स होने हैं, वन इज पीओके एंड सेकेंड इज ईरान वाला। ईरान। लेकिन अंकल जी, जैसे आपने बोला कि इंडिया इसराइल दोनों ही दे विल बी लाइक द पुलिस ऑफ दिस एरिया, दैट्स व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट डी डॉलराइजेशन एंड एवरीथिंग एल्स आल्सो। डू यू फील कि बिकॉज दिस प्रोसेस दिस टू कंट्रीज हैड स्टार्टेड, और हमने तो पोर्ट्स भी काफी ले लिए वहां पर, इजिप्ट में ले लिया, इसराइल के अंदर भी हमारे पास है, ईरान में ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं, एंड वी आर टॉकिंग अदर पोर्ट्स ऑल्सो, यू फील कि इसको डीरेल करने के लिए ये सारा जो हमास का, इसराइल का जो पंगा पड़ा हुआ है, डज इट हैव समथिंग टू डू विद डीडॉलराइजेशन, या जो हमारा कॉरिडोर था जो हमने अनाउंस किया है उसमें भी किसी ना किसी का तो प्रोजेक्ट जो वहां पे वो प्लान कर रहे थे अपना BRI एंड ऑल, उसको हिट कर रहा था वो चीज, इसके कारण भी ये प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया जा रहा है, लाइक सम पीपल आर सेइंग अबाउट इट। आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है कि ये डी डॉलराइजेशन के और डी रेडिकलाइजेशन की थीम पे ही ये जो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होना है उसी के लिए ये मैस क्लीन अप प्रोसेस चल रहा है, उसके सपोर्ट में चल रहा है, राइट? नॉट अगेंस्ट इट। अब बट हाउ डू यू दूसरा सी जो चाइनाज रोल? चाइना को कोई रोल नहीं है,
को क्यों बीच में लाएंगे, फॉर व्हाट रीजन? Why I'm asking you is not because I can see there is absolutely no interference from China, but Indian media is literally harping upon this point day and night ki bhai China is involved in supporting Hamas. Oh, China ke to arms bhi mil gaye Hamas ke paas aur ye unko funding kar rahe hain ki Hamas ke paas American arms mile hain, Chinese ka to sawal hi nahi hai. Kaun bolta hai ye? आप इंडियन मीडिया देख लीजिए, कुछ एक्सपर्ट्स हैं चाइनीज एक्सपर्ट्स, लबी लबी फेंकते हैं वो, 30 साल से मैं सुन रहा हूँ उनको, तो वो जी चाइना के आर्म्स मिल गए हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना चाहते हैं ताकि हमारा जो ये कॉरिडोर बन रहा है मिडल ईस्ट में ये ना बन सके. सो दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग यू बिकॉज यू रियली हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज ऑन दीज थिंग्स. हाउ डू यू सी इट? नो, चाइनीज हैव एब्सोल्युटली नो रोल हियर, और बीआरआई के साथ इस चीज का कोई दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है. नहीं है क्योंकि सऊदी अरेबिया और चाइना के बीच जो ऑयल डील होनी है युआन में हो रही है, उनका उनका जो पार्टनरशिप है चाइना और मिडिल ईस्ट का वो अलग प्रकार है, एंड इट इज अ स्टैंड अलोन बेसिस. उसको इस प्रोजेक्ट के साथ कुछ कनेक्शन नहीं है, दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है. दूसरा हमें ये समझना है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, क्योंकि आपने बात निकाली, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो था, जो मेरी समझ में आया कि चाइना ने अफ्रीका में, चाइना को ये समझ आई अराउंड 2010 के आसपास कि ऐसी लैंड जो पुअर हो, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो फाइनेंशियली वायबल ना हो, वो हम उन्होंने टारगेट करना पसंद करा. क्यों? क्योंकि एक जॉब वाला ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है चाइनीज वर्कर्स के लिए, दूसरा चाइनीज मटेरियल या जो भी लगता है मशीनरी, तीसरा उनको चाहिए थी विमेन टू मेक देम मैरी विद चाइनीज मैन, ठीक है? तो और फिर अगर वो डेट ट्रैप हो जाता है और दे कांट पे, तो वो लैंड और एसेट भी मिल सकती है, राइट? दीज वर ऑल एडेड बेनिफिट्स. तो मुझे लगता है कि एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं था जो फाइनेंशियली वायबल था, क्योंकि ग्वादर का प्रोजेक्ट अगर आप उठा लो तो सिंगापुरियन कंपनी ऑलरेडी उसको छोड़ के जा चुकी थी, ठीक. हम्बनटोटा पोर्ट ले लो, 99 इयर्स की लीज है, देयर इज नो वर्क, देयर इज नो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी. तो क्योंकि गोल ये था कि उन्हें लगा कि पॉवर्टी स्ट्रक रीजन होता है तो चाइनीज मैन के लिए वाइफ मिल जाएगी, दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग. और फिर क्योंकि कुछ कंट्रीज की आइडेंटिटी आप जानते हैं, दोस कल्चर्स हु हैव देयर ओन आइडेंटिटी दे स्ट्रेस इट, तो वो अपनी वुमन नहीं देंगे. तो मुझे लगा कि क्योंकि वो नहीं हुआ, फिर चाइना ने अनाउंस किया चाइनीज न्यूज़पेपर, चाइनीज स्कूल्स, चाइनीज रेस्टोरेंट्स उसी एरिया में, क्यों, उनको लगा कि शायद ये वुमन को हम कल्चराइज कर पाए विद दिस टैक्टिक्स. मुझे लगता है वो भी फेल गया है. तो मुझे नहीं लगता कि बीआरआई या सीपैक का कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाला बड़ा गोल था, मुझे लगता है. और जितनी भी पेमेंट्स थी, मुझे लगता है कि वो राउट करके चाइनीज वर्कर्स को और कंपनीज को मशीनरी टेक्नोलॉजी जिसने लगाई, इट हैज वेंट बैक. तो खाली डेट बचा है वो कंट्रीज के लिए, ठीक है? ये तो जब शुरू हुआ था ना पूरा प्रोजेक्ट बीआरआई का, इट वाज वेरी क्लियर, दे हैड टू ऑब्जेक्टिव्स ओनली, पुअर कंट्री फर्स्ट, सेकंड इज वीक गवर्नमेंट्स या करप्ट गवर्नमेंट्स. जहां जहां पर करप्शन थी गवर्नमेंट सेक्टर पे, उन्हीं गवर्नमेंट्स को इन्होंने पकड़ा. ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारे यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी, नहीं तो यहाँ पे बीआरआई आ जाता. बिल्कुल सही बात है. आप 66 कंट्रीज ले लीजिए, सारी की सारी करप्ट हैं, वीक हैं, और बिकने के लिए तैयार थी, तभी वहां पर ये बीआरआई प्रोजेक्ट करे गए. बिकॉज यहाँ पर जो फूड है उसकी शॉर्टेज है चाइना के अंदर, दे हैव अबाउट 74% प्रोडक्शन, बाकी ये 25-26% इंपोर्ट करते हैं. सो दे आर आल्सो लुकिंग फॉर दोज लुक्रेटिव मार्केट्स जहां पर फर्टाइल लैंड है, पुअर है, सो दैट दे कैन कैच होल्ड ऑफ दोज लैंड्स, प्रोड्यूस फ्रॉम देयर, फ्रॉम द लोकल पीपल. वो वहां पे काम करेंगे और सारा खाना इधर जाएगा, जैसे ब्रिटिशर्स ने पहले किया था पूरे वर्ल्ड में, वही पॉलिसी चाइना की भी थी. करेक्ट है. पता नहीं इसको क्यों ये वाले प्रोजेक्ट के साथ मिक्स कर रहे हैं, आई डोंट नो, मतलब पता नहीं क्या, बिकॉज एक्सपर्ट्स पता नहीं मीडिया में क्या चलते रहते हैं.
अंकित जी, इंडिया में काफी एक्सपर्ट्स हैं, तो मैंने कहा चलो एक रियल एक्सपर्ट से बात करते हैं आज, बाकी एक्सपर्ट्स को तो लोग सुनते ही है इसको। एंड आई सिट इन चाइना एंड आई शो द रियलिटी। आई एम अ कंसल्टेंट हियर, आई एम अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट। मेरा काम है जो जैसा है वैसा ही दिखाना है, मैं सेंसेशनलाइज नहीं करता हूँ किसी चीज को। अब ये बात करते हैं हम लोग, जैसे चाइना की बात करी हमने, अब डी डॉलराइजेशन की भी बात कर रहे थे हम लोग। चाइना ने भी देखा हमने कि रिसेंटली दे हैव स्टार्टेड डूइंग द डी डॉलराइजेशन एट अ वेरी फास्ट पेस। एवरी मंथ दे आर यू नो लिक्विडेटिंग ऑल देयर होल्डिंग्स इन अमेरिका। अभी सितंबर के अंदर भी 25-26 बिलियन डॉलर इन्होंने छोड़ दिया, एंड दे आर गोइंग टू यू नो दे आर इंक्रीजिंग देयर गोल्ड रिजर्व्स। हाउ यू सी दिस, हाउ डज इट इम्पैक्ट द वर्ल्ड, बिकॉज इससे अमेरिका और वीक होता जाएगा। हमने भी देखा कि उनका डेट बढ़ता जा रहा है अमेरिका का एवरी मंथ। इट्स लाइक पहले जो एक साल में इंक्रीज होता था, अभी तो कुछ एक घंटे में इंक्रीज हो रहा है। सो हाउ डू यू सी दैट? नहीं देखिए सुमित जी, ये तो बहुत क्लियर है कि जितनी भी ब्रिक्स प्लस और ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं उनका थीम बहुत क्लियर है कि चाहे ब्रिक्स करेंसी या बास्केट ऑफ करेंसी का इंडेक्स बने या ना बने, ट्रेड जो है वो बास्केट ऑफ करेंसी में शिफ्ट तो हो ही जाएगा। आप इंडेक्स बनाओ, नाम दो या ना नाम दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? तो और जब मौका मिलेगा तब वो नाम भी दे देंगे इंडेक्स को, तो दे विल वेट फॉर द राइट टाइम। बट जो क्लियर समझ में आता है मुझे कि सारी की सारी कंट्रीज फाइनेंशियल रीसेट की प्रेपरेशन के लिए तैयार है, और यूके का 2025 का जैसे ही इलेक्शन कंप्लीट होगा तो नेगोशिएशन स्टार्ट हो जाने चाहिए, क्योंकि क्राइसिस वो पीक क्रॉस कर चुका होगा हर जगह वेस्ट में कि दे विल हैव टू नेगोशिएट। तो मुझे लगता है कि चाइनीज भी बहुत क्लियर है। इनफैक्ट जब अभी मैं रिसेंटली देख रहा था शी जिनपिंग के कुछ नए 10 आए थे, ईट चाइनीज फूड, टूर चाइनीज प्लेसेस, वेयर चाइनीज क्लोथ्स, मुझे तो बिल्कुल मोदी जी वाली आत्मनिर्भर भारत वाली वाइब्स आ रही थी वहां से। तो मेरे से क्लियर दिख रहा है कि क्योंकि ये डी डॉलराइजेशन के प्रोसेस में डीकपलिंग होना ही है, तो बहुत क्लियर है कि ऑल कंट्रीज आर अलाइंड ऑन दिस। अंकित जी, मैंने वीडियो भी बनाया, जैसे अभी बताया आपने अभी कि शी जिनपिंग ने बोला कि भाई आप चाइनीज प्रोडक्ट खरीदिए, यू नो ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है कि कैसे शी जिनपिंग इज कॉपिंग मोदी जी पॉलिसीज, और उसके अंदर आत्मनिर्भर की जो जो चीजें मोदी जी ने अनाउंस करी हैं वो सारी की सारी शी जिनपिंग यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं। बिकॉज वैसे भी कॉपी मास्टर तो है ही है ये, इसके ऊपर मैं बोल नहीं सकता, मैं यहीं बैठा हूँ। इसमें सुमित जी बात ये है कि ये जो पूरा डी डॉलराइजेशन का जो थीम है, मेरी जो समझ आई, ये और इंडो पैसिफिक, ये दोनों कॉन्सेप्ट शिंजो एबे के थे। और जब वो गिफ्ट सिटी वाला जो प्लान था, जब वीजा रिजेक्ट हुआ था चीफ मिनिस्टर मोदी का, तब से ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। तो आप अगर जापान को देखो एज अ पार्टनर कंट्री इन वाइब्रेंट गुजरात समिट, फिर पूरा वहां से गुजरात मॉडल प्रोपेगेट हुआ, फिर वहां से प्राइम मिनिस्टर जो पोजीशन मिली, और फिर अगर आप आगे देखो पूरा प्रोसेस, रशिया और चाइना को तो पता तक नहीं था कि हम इतने आगे हैं। तो हमने रुपए यूपीआई पूरा प्लानिंग के साथ सारे मल्टीलैटरल ट्रेड पैक्ट्स हमने मना कर दिए, हमने बोला एक एक कंट्री आएगी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करेंगे, क्योंकि क्लियर पता है कि जब आपको डॉलर से फ्लिप आउट करना है तो आप मल्टीलैटरल ट्रेड पैक्ट में जाओगे तो वहां डॉलर डिफॉल्ट बैठ जाएगा, 14-15 कंट्रीज यू कैनॉट नेगोशिएट। तो जब राइट मोमेंट आएगा तब इंडिविजुअल के साथ ही बार्गेन करना है, राइट? ये बेस्ट है, ये बेस्ट पॉलिसी है पूरा प्रोसेस। तो आई थिंक रशिया एंड चाइना हैड नो क्ल्यू कि ये तो इतना आगे जा चुके हैं हम। तो आप देखते हैं कि निर्मला जी का तो ऑफिशियल स्टेटमेंट है 22 कंट्रीज के साथ हम सेटअप कर रहे हैं रूपी ट्रेड, ओके? तो ये तो रशिया और चाइना ने भी अभी तक ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं किया, नथिंग। सो इट इज वेरी क्लियर दैट हु इज लिबरेटिंग द वर्ल्ड। बट हाउ डू यू सी, जैसे आपने अभी बात किया, निर्मला जी की बात करी है, भारत की बात करी है, वी आर प्लानिंग ऑन दिस, हाउ डू यू सी इंडिया मूविंग फॉरवर्ड, हाउ क्विकली वी कैन यू नो रीच टू दैट मैजिकल फिगर ऑफ फर्स्ट 5 ट्रिलियन देन 10 ट्रिलियन डॉलर्स, एंड व्हाट इंडिया नीड्स टू डू
टू रीच देयर लेकिन क्विकली. सुमित जी मुझे लगता है कि ये जो 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन वाली बात है, क्योंकि वो डॉलर रेफरेंसिंग की बात हो रही है, मुझे नहीं लगता नेक्स्ट डिकेड में कोई डॉलर रेफरेंसिंग पे कोई अमाउंट की बात करेगा। आई रियली डाउट दैट। तो अगर आपने यूएई का कुछ D32 करके प्लान है 2032 तक का, 10 ईयर्स का, तो उन्होंने वो पूरे प्लान में दिरहाम के टर्म्स में बताया है कि क्या टारगेट है। सिमिलरली शी जिनपिंग ने भी कुछ रिपोर्ट्स जो हैं उसको डॉलर वैल्यू से शिफ्ट करके युआन टर्म्स में बताना शुरू किया है, एक्सपोर्ट्स के फिगर्स हो या वो सब। तो मुझे लगता है कि डायरेक्शन बहुत क्लियर है कि वो ट्रिलियन डॉलर्स में मेजरमेंट नेक्स्ट डिकेड में तो नहीं होना है, क्योंकि करेंसी का फ्लिप ही उतना बड़ा हो चुका होगा। तो जो मैं बात कर रहा हूं कि 400 साल के रिवर्सल में पहले पाउंड एज अ सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी, फिर यस डॉलर एज अ सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी, तो ये 400 साल की साइकिल खत्म हो रही है। नाउ वी आर गोइंग टू अ मल्टीपोलर मल्टी करेंसी बास्केट। अब वो मल्टी करेंसी बास्केट को, जो मैंने बताया कि इंडेक्स को ब्रिक्स का नाम कुछ देना है, फॉर्मली अनाउंस करना है कि नहीं करना है, दैट्स अ सेपरेट थिंग, पर ट्रेड तो डॉलर का शिफ्ट होके मल्टी करेंसी बास्केट में जा रहा है पक्का ऑफिशियली। है. तो इंडिया की जो पोजीशन है, भारत की, जो मुझे समझ में आता है कि अब तो ऑफिशियली चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का ही आ गया है कि रूपी विल अप्रिशिएट, तो अब मुझे ज्यादा कुछ बोलना नहीं पड़ता। बैक देन मुझे बहुत 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 समझाना पड़ता था। तो जेपी मॉर्गन का जो बॉन्ड का लिस्टिंग है, जो यस मिड मिड 2024 से स्टार्ट होना है और मार्च 2025 को क्लोज हो रहा है वो, तो उसी में मुझे लगता है उसी विंडो में बहुत सारा वेल्थ वेस्ट से पास ऑन होके भारत में डेफिनेटली, आएगा। क्योंकि मैंने वो जी चीज देखी है चाइना के अंदर भी, कि जब ये इन्होंने बॉन्ड्स इशू किए, जितनी बड़ी कंपनीज हैं सबके यहाँ है, गवर्नमेंट के भी, एंड द अमाउंट ऑफ मनी विच हैज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड टू चाइना, इट इज माइंड बॉगलिंग. और मासिव। इंडिया अभी तक इसमें से बाहर था, अभी आ रहा है. जेपी मॉर्गन जैसे बोला, एंड दे देमसेल्व्स आर प्रोडिक्टिंग अप्रोक्सीमेटली $300 बिलियन टू बी ट्रांसफर्ड इन द विंडो ऑफ 9-10 मंथ्स. अगर आपने उनके शब्द सुने हो, आपको मैं दो इंटरेस्टिंग इवेंट बताता हूं जो दोनों पैरेलल हुए। जेपी मॉर्गन के चीफ जेमी डिमॉन भारत में थे, जयशंकर जी यूएस में थे, और उनके जो एम्बेसडर है एरिक गार्सेटी, वो यूएस एम्बेसी में फोटो सेशन करवा रहे थे जो वीजा एप्लीकेंट्स हैं उनके साथ। वेरी इंटरेस्टिंग पैरेलल। तो जयशंकर जी की वहां आपने कुछ सुने ही होंगे क्या क्या शॉट्स दिए उन्होंने, हाँ, तो वैसे वैसे गोली चलाते रहते. और जेमी डिमोन यहां बता रहे थे भारत में कि यूएस को, यूएस विल बिकम योर नेचुरल एलाई फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर्स। यू वर्ड सुने आप, यूएस विल बिकम योर एलाई, ठीक है ना के रिवर्स। ठीक, तो यूके इज एलाई ऑफ यूएस राइट नाउ, तो यूके वाली पोजीशन दे रहे हैं वो यूएस को। समझ आ रही है क्या समझ आ रही है, समझ आ सिग्नलिंग रही है. चल रही है? अच्छा अंकल जी, अब आखिरी चीज पूछता हूँ मैं आपको. आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, आई बीन फॉलोइंग इट फॉर विद यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. मुझे एक चीज बताइए, यू प्रेडिक्टेड लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, लाइक 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स बिफोर समथिंग हैपन्ड, एंड पीपल यूज टू लव ऑन योर पोस्टिंग्स ऑल्सो, एंड द वे यू यूज टू स्पीक. या ये कौन पागल ऐसी बोलता रहता है ये. आई लिसन टू ऑल दोस, आई रेड दोस कमेंट्स. बट हाउ इज दैट दैट एवरीथिंग यू स्पोकन आउट हैज कम राइट टू द बुक, यू नो, इट्स लाइक एज इफ यू रिटन अ बुक एंड इट इज कम द सेम वे. इट्स लाइक अ नॉस्ट्रोडामस बुक यू हैव रेड, और यू आर अ एस्ट्रोलॉजर योर सेल्फ, और वॉज इट इट वॉट वॉट इज इट. नहीं सुमित जी, आई डू नॉट, मैं ये क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस लोग मुझे पर्सनल वाले भेज रहे हैं एस्ट्रोलॉजर समझ के। तो आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, मुझे कोई क्ल्यू नहीं है एस्ट्रोलॉजी का, फ्रैंकली। एंड आई डू नॉट इवन वुड से कि आई एम क्वालिफाइड टू इवन कमेंट के एस्ट्रोलॉजी सही है या गलत है, आई डोंट नो एक्चुअली। जहां तक मेरे प्रेडिक्शंस का सवाल है, तो
तो एज अ किड आई यूज टू हैव अ बिग लाइब्रेरी ऑफ माई ओन, तो बहुत ही कम उम्र में आई हैव डन अ लॉट ऑफ रीडिंग. मेरा जो स्कूल का होमवर्क है माई मदर यूज टू डू टिल 7th क्लास, तो मैंने मेरा होमवर्क किया ही नहीं है. तो आई यूज टू बाई ऑल अदर बुक्स एक्सेप्ट द स्कूल सिलेबस. सर, तो ये नो, जो बट द वे यू स्पीक, नोबडी कैन से दैट यू डोंट डन योर होमवर्क. यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क वेरी वेल. तो हिस्ट्री, आई नो अ लॉट ऑफ हिस्ट्री ऑफ नेशंस, सो आई कैन टेल हाउ दे विल बिहेव इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. दूसरा, मुझे कैश फ्लो का इंटेंट समझ में आता है. और तीसरा जो है ह्यूमन बॉडी लैंग्वेज, विच आई कैन रीड वेरी वेल. मतलब अगर कोई लीडर है कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, आई कैन मेक आउट के ही रियली मीन्स वॉट इज सेड और इज जस्ट यूजिंग दोज वर्ड्स. सो आप मानेंगे नहीं, MBS का कुछ अभी आया था बीच में, बहुत कुछ फेक चला है. आई मीन एक दो नहीं, इतना ज्यादा फेक चला है सुमित जी. ये कहाँ से, मतलब मैं आपको कहाँ से स्टार्ट करूं? सबसे पहले चला कि रशिया कैन नॉट अटैक यूक्रेन. मैंने एग्जैक्ट वीक प्रेडिक्ट किया था, एग्जैक्ट मंथ, एग्जैक्ट वीक. और फिर चला, फेक चला कि क्या हुआ है, शी जिनपिंग पे कू हो गया है, ये SCO समिट के टाइम. मैंने बोला फेक है. फिर चला कि पुतिन के ऊपर कू हो गया है, वो वैगनर वाला जो प्रिगोजिन वाला, उसी दिन सुबह ही बता दिया मैंने इट्स फेक. कोई, क्योंकि कू ऐसे नहीं होते, मैं 1,000 किलोमीटर से निकला हूं कू करने, डिक्लेयर और करके, ऐसे कू नहीं होते. बता के कोई भी नहीं जाता है भाई. 1,000 किलोमीटर से बता रहा है वो दूर से. तो और नहीं, आई मीन कितना फेक. उसके बाद चला के किसी चाइनीज एक्सपर्ट ने बोला है कि इंडिया को ब्रिक्स से निकाल दो. मैंने बोला फेक है, ये टोटल फेक है. फिर चला कि प्राइम मिनिस्टर ब्रिक्स समिट में नहीं जाने वाले. अब मतलब फेक फेक इन्फॉर्मेशन का एक प्रेशर देखो सुमित जी, कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को आके बोलना पड़ता है कि वो जाने वाले. आई एम ऑल्सो सरप्राइज समटाइम्स. यहाँ पे तो इन्होंने इवन किडनैप भी हद करवा है लिया था. मतलब. शी जिनपिंग को किडनैप करवा लिया था. पूरा हफ्ता चला है कि शी जिनपिंग जो है उनको किडनैप कर लिया है. एक बार अभी आ गया लेटेस्ट कि भी चला है, अभी लेटेस्ट वो चला था कि एल्डर्स रिप्रीमांडेड शी जिनपिंग इन बीड आई है समिट. पूरा फेक, क्योंकि उसी ऑथर का उसी पोर्टल पे आर्टिकल था कि एल्डर्स आर नॉट अलाउड इन द समिट 2 वीक पहले का. अब बोल रहे हैं एल्डर्स रिप्रीमांडेड, सेम ऑथर. और यहाँ पे एक एक गण पता नहीं क्या चल रहा है, मतलब इतना फेक चल रहा है, यू कांट बिलीव इट. मतलब चाइना वाला तो जितना भी न्यूज चल रहा है, पूरा का पूरा फेक चल रहा है भारत में. आई टेल यू दिस, मैं तो. और फिर फुल स्केल वॉर वाला, भाई साहब मुझे कोई एक जन बता दो मुझे कि क्या टेंजिबल आउटकम है फुल स्केल वॉर का. आउटकम क्या है मुझे ये बता दो, तो मैं भी मान जाऊं कि हो सकता है. जब आप वॉर शब्द का प्रयोग करते हो, वॉर का मतलब होता है ऑल थिएटर्स, ऑल ऑल वेपन्स, ऑल थिएटर्स. आप बोल क्या रहे हो पहले. और फिर टाइमिंग भी अगर आप देखो सुमित जी, ये सारे एक्सपर्ट्स उसी टाइम पे बोल रहे हैं जब ये कनाडा वाला इश्यू चल रहा था, तो बोल रहे हैं कि चाइना अटैक कर सकता है. गजब फेक चल रहा है सब कुछ. सब अंकित जी, मैंने जब से इनको एक्सपोज करना शुरू किया, ये सो कॉल्ड एक्सपोर्ट्स को, चाइना एक्सपोर्ट्स को स्पेशली, लंबे लंबे फेंकते हैं. अभी चल उसके रहा था कि बाद हमास के पास चाइनीज आर्म्स हैं. हाँ, ये भाई तो मैं बोला साहब आपको कुछ भी, मतलब कुछ भी. अंकित जी, जब से मैंने इनको एक्सपोज करना शुरू किया इन झूठे लोगों को, इन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट में इन्फॉर्म कर दिया कि आप इनको इन्वेस्टिगेट कीजिए, ये चाइना में बैठकर आपके खिलाफ बोलता है. 2 दिन मेरी अच्छा ग्रिलिंग 2 दिन मेरी पुलिस में ग्रिलिंग चली है. सो आई नो व्हाट ऑल दे कैन सी, किस लेवल तक गिर सकते हैं. मेरी एक अच्छी रेपुटेशन है इस कंट्री के अंदर. व्हेन द गवर्नमेंट पुलिस ने आके देखा, लोगों से बात करी, दे फाउंड आउट कि कुछ भी नहीं है, ये एक सिर्फ जेलसी है. किसी बेवकूफ को मैं एक्सपोज कर रहा हूँ तो उसने जेलसी में आकर वहां पे एम्बेसी में इन्फॉर्म कर दिया. सो आई आई फेस ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो. बट इट इज वेरी नाइस कि जैसे आपने क्लैरिटी के साथ, यार मजा आ गया आज. मैंने इतने शोज करे हैं इतने गेस्ट के साथ, बट देर इज समथिंग विच इज यूनिक अबाउट यू, द वे यू स्पीक, द वे यू यू नो एक्सप्रेस ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम हिस्ट्री, फ्रॉम दिस वन, इंक्लूडिंग
द प्रेडिक्शंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी विच यू यूज विच आई हैव कम टू नो कि आप बोलते हैं कि आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता नहीं है बट आई थिंक यू हैव सम निक अबाउट इट. एक होता है नॉस्ट्रोडामस को भी एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ पता नहीं था बट ही यूज्ड टू प्रेडिक्ट इट वेरी नाइसली. सो इसका तो पढ़ाई करना पड़ता है. आई मीन कैसे बता सकते हो कि आई नो बट आई डोंट थिंक सो. नॉस्ट्रोडामस वाज नॉट अ एस्ट्रोलॉजर. He just Achha. got visions. He just used to get visions and he used to speak about it. So are you. Maybe वही आत्मा होगी. हम तो सनातन में मानते भी हैं कि वही आत्मा आगे आती है. So Anke ji, thank you so much. It was a delight talking to you. A long-term wish of mine to be able to talk and discuss. And I like talking to intellectual people. It's a pleasure having you on my show today. And hopefully we'll have you again very, very soon. Thank you so much. Jai Hind.